एनएलसी इंडिया कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये कंपनी नवरत्न कंपनी है। लिग्नाइट माइनिंग के साथ साथ पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का भी करती है कारोबार। आइए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आंध्र प्रदेश की नागार्जुन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट के साथ, क्या बात है, गोल्ड मेडल के साथ आपने डिग्री हासिल की और साथ ही आपने MBA की डिग्री भी हासिल की, यानी कि दोनों ही इंजीनियरिंग की भी डिग्री है MBA की भी डिग्री है सर के पास। और पावर और कोल सेक्टर में सर का 34 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा मैं आपसे कंपनी के बारे में पूछूंगा, उससे पहले एक बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है सर दो दिनों से कि कोयले की पावर की डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली समर सीजन में, बड़ी समर भी बड़ी इस बार गर्मी ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो ज़रा बताएं सर कि क्या वाकई में पावर डिमांड बढ़ने के आपको संकेत मिल रहे हैं और उसके साथ साथ फिर उसको पूरी करने के लिए क्या कोयले की डिमांड भी बढ़ने के कुछ इंडिकेशंस हैं सर? सर पिछले सालों में पावर के डिमांड ऑलमोस्ट 6% CAGR के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन लास्ट दो साल में ऑलमोस्ट 9% का ग्रोथ हुआ है। और पिछले साल 229 गीगावाट का पीक डिमांड पहुंचने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन 240 का गीगावाट तक डिमांड पहुंचा था। और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 256 गीगावाट का डिमांड रहेगा, बट मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही रहेगा डिमांड। तो इसको डिमांड पूरे करने के लिए अभी मुझे लगता है कि सभी थर्मल पावर स्टेशन में सफिशिएंट कोयला और लिग्नाइट है, और कोयला का जो डिमांड पूरा करने के लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है। NLCIL की तरफ से हम लोग भी अपना लिग्नाइट प्रोडक्शन को ऑगमेंट किए हुए हैं और जो पीक डिमांड आने वाला है उसको मीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, पूरी डिमांड पूरी करने को तैयार। तो क्या सर आप कुछ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह के संकेत आए? यदि हाँ तो कितना बढ़ा रहे हैं आप? सर पिछले साल हम लोगों का जो है जो लिग्नाइट और कोल प्रोडक्शन NLC इंडिया की हिस्ट्री में ऑल टाइम हाईएस्ट रहा है, 36 मिलियन मीट्रिक टन रहा है, और अगले साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जो है 40 मिलियन मीट्रिक टन तक ले जाने का। तो उसके लिए सभी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और प्रोडक्शन ऑगमेंट करने का और उसको डिस्पैच करने का पूरे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इस साल लिग्नाइट प्रोडक्शन हमारा जनरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा और हम लोग जनरेशन लेवल्स भी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक बात है। सर एक खबर जो आपकी आई थी कि कंपनी अपनी रिन्यूएबल एसेट्स करीबन 6000 करोड़ की बेचने का मूड बना रही है, कब तक बेचेंगे, क्यों बेचेंगे और ये बेचकर जो पैसा आएगा सर वो कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? ये एसेट मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम के तहत इसको किया जा रहा है और जो ऑलरेडी हमारे पास रिन्यूएबल एसेट्स हैं उसको जो है डिमोनेटाइज करने का किया जा रहा है, और इसको जो है हम लोग अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा इक्विटी रिक्वायरमेंट है, हमारा जो ह्यूज इक्विटी रिक्वायरमेंट है वो 24,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है 2030 तक, उसी इक्विटी रिक्वायरमेंट में हम लोग जो इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करेंगे और इस अमाउंट को यूज करेंगे। क्या सर आजकल ये रेयर अर्थ की बड़ी चर्चाएं चल रही, तो आपकी कंपनी भी क्या वहां कोई प्लान्स हैं या आपके कोयला और लिग्नाइट ही ठीक है? सर हम लोग जो है डाइवर्सिफिकेशन में आज के दिन में कंट्री में सबसे ज्यादा NLCIL कर रही है। अब जितना भी ग्रीन इनिशिएटिव्स अवेलेबल है सभी में NLC इंडिया लीड लिया हुआ है, जैसे कि हमारा फोकस कोल एंड लिग्नेट था बट नाउ हमारा फोकस ज्यादा रिन्यूएबल के ऊपर है। ऑलरेडी हम लोग 1.4 गीगावाट का सोलर एंड विंड कैपेसिटी चला रहे हैं और मोर देन 2 गीगावाट का कैपेसिटी जो है पाइपलाइन में चल रही है, जिसमें 2 गीगावाट सोलर है, अराउंड 50 मेगावाट विंड का ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अराउंड 500 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी ऐड करने जा रहे हैं। और हमारा घट्टमपुर थर्मल पावर स्टेशन है जो यूपी में स्थित है, वो उसका जो तीनों यूनिट को जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग COD डिक्लेयर करने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारा ग्रीन इनिशिएटिव हम लोग लीड ले रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का एक पायलट प्लांट नई वैली एरिया में
लगाए जा रहे हैं और लिग्नाइट टू मिथेनॉल कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत लिग्नाइट टू मिथेनॉल प्रोजेक्ट भी अवार्ड करने जा रहे हैं और पंप स्टोरेज का जो है नैवेली एरिया में लगाने का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का काम चल रहा है उसमें भी कार्य तेजी से प्रगति है और वॉर बटन टू सैंड जो वेस्ट टू वेल्थ करने का जो सिस्टम है उसको लाने के लिए एक प्लांट ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको कमीशनिंग कर लिया है उसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय दिया आपने और विस्तार से कंपनी के प्लान्स के बारे में और पावर सिचुएशन के बारे में आपने हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।